रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। रुपया गिरने के फायदे बताने लगे सुधीर चौधरी, जनता ने दिखाया आईना, एंकर की बोलती बंद। हाल ही में रिकवरी देखने के बावजूद भारतीय रुपया अगले 3 महीनों में एक बार फिर 80 रुपए प्रति डॉलर के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच सकता है। रॉयटर्स के एक पोल में विदेशी एक्सचेंज रणनीतिकारों ने बढ़ते ट्रेड डेफिसिट और सुरक्षित निवेश माने जाने वाले यूएस डॉलर में ग्लोबल निवेशकों की निर्भरता के आधार पर ये बात कही। रुपया एक महीने से 80 रुपए 65 पैसे के आसपास ट्रेंड कर रहा था, लेकिन मंगलवार को ये 78 रुपए 490 पैसे प्रति डॉलर के साथ अपने एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा था। इस बीच सोशल मीडिया पर न्यूज एंकर सुधीर चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रुपया 80 रुपए प्रति डॉलर पहुंचने पर फायदे बताते नजर आ रहे हैं। जी न्यूज छोड़कर आज तक से जुड़े एंकर सुधीर चौधरी वायरल वीडियो में कहते हैं, अगर रुपए के गिरने के कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। निर्यातक जिस प्रोडक्ट पर 74 रुपए का मूल्य पहले पा रहे थे, उसके लिए अब उन्हें 80 रुपए का मूल्य मिलेगा। वीडियो में एंकर सुधीर चौधरी अपने नाखून पर अंगूठा भी रगड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उनकी आलोचना थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, इसको किसी ने बताया था कि नाखून पर अंगूठा रगड़ने से बाल सफेद नहीं होते। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, सुधीर चौधरी और रुपए की तुलना करें तो ऐसा लगता है कि रुपया तो बहुत मामूली गिरा है। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, क्या यही पत्रकारिता है? भारतीय रुपया गिरने के भी है फायदे। गोल्ड स्टैंडर्ड इकोनॉमिस्ट सुधीर चौधरी, जोर जोर से हंसना, मैंने इससे ज्यादा हास्यास्पद सिद्धांत नहीं सुना। इन्हें वास्तव में अब स्टैंड अप कॉमेडी शो करना शुरू कर देना चाहिए। राणा जी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, सिर्फ चैनल बदला है, सोच अभी भी वही है। जब बैक बेंचर टीवी एंकर बना जाता है तो कुछ ऐसे ही रिपोर्टिंग करता है। जी नाम के हैंडल से लिखा गया, कुछ लोग बेवकूफ पैदा होते हैं और सुधीर चौधरी उनमें से एक है। महंगा डॉलर का मतलब महंगा इंपोर्ट या आयात है और हमारा देश इंपोर्ट पर निर्भर है, इसलिए अब हम 90% महंगा इंपोर्ट और 10% ही सामान एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तेल, कोयला, गैस, दवा, लगभग हर क्षेत्र में महंगाई होने वाली है। रुपए के मुकाबले डॉलर कीमत 80 रुपए पार होने के बाद एंकर सुधीर चौधरी द्वारा दिए गए इन तर्क को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर वायरल न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सके।